सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। अभी जींद में ऑफिस कर लिया भाई, बड़ा एक्साइटेड हो गया यार मैं। और जींद का ऑफिस का एक तो दीवार यह है और दूसरी दीवार का छोटा सा हिस्सा दिखा देता हूँ आपको। ये है, अभी थोड़ा सा काम पेंडिंग था ना इसलिए मैं दिखा नहीं रहा। और जो मेन ऑफिसदार हुआ है वो पीछे पीछे पीछे, अब देख पा रहे ना यार, बहुत मेहनत लगी यार हर चीज को प्लान करने में, हर चीज को एक नया रूप देने में। दैट्स कॉल्ड स्टेप अप जे सर। ये ड्रीम था भाई एक छोटा सा, भाई जींद के अंदर ऑफिस हो। जींद में इतने साल से मैं लग रहा, बाकी भिवानी में ऑफिस हो गया, सोनीपत में हो गया ऑफिस, कुरुक्षेत्र में ऑफिस हो गया, पानीपत की भी तैयारियां चली, जींद में ही नहीं था यार ऑफिस। तो भाई आप सबका प्यार और आशीर्वाद बना तो ये ऑफिस तैयार हुआ, और अब आगे बना रहेगा तो ये ऑफिस चलता रहेगा भाई। हर एक चीज पर बहुत दिमाग लगाया भाई, ये लोगों सा ये कुछ तैयार करना, इसके मैं इतना दिमाग लग गया, बहुत ज्यादा माथापच्ची हुई यार, बहुत ज्यादा। उसके बाद बैकग्राउंड कैसा हो, छत का कलर कैसा हो, ओह पंखा, ये पंखा भाई बहुत मेहनत से सर्च करा, बहुत जगह धक्के खा के। और जब यू पंखे का डिजाइन, पंखे का कलर, मतलब हर एक पॉइंट पे हमने बहुत ज्यादा काम किया। एग्जस्ट फैन है और पीछे की विंडो भी हमने छोड़ी। और आपको मैं कलर दिखा दूं, ये कलर कॉम्बिनेशन, ये कलर कॉम्बिनेशन, ये घास का और ये कॉम्बिनेशन, जो ये कुर्सी ही आई है इनका कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे ये सोफे। या शिवानी भाई, शिवानी पूरे कुरुक्षेत्र में तहलका मचा रही है। क्यों शिवानी? ओके, तहलका तो नहीं कह सकते, बस ठीक है, जो चल रहा है वो बेटर है। तो भाई ये शिवानी है और बड़ी मेहनत कर रही है यहाँ पे। और इधर से हमारा एक ये सोफा और एक छोटी सी हमारी टेबल है, और ये एक छोटा सा प्यारा सा ऑफिस तैयार करा है। पता नहीं भैया ने कितना पसंद आया होगा, लेकिन भाई बहुत दिल से आपके प्यार और आशीर्वाद को देखते हुए ये सब कुछ तैयार हुआ है। बहुत लोगों ने मदद भी करी, और आज मेरे इस ऑफिस का उद्घाटन भी जो दिनोद वाले आश्रम के जो महाराज है राधा स्वामी जी, संत कंवर पाल साहिब जी महाराज जी ने आके यहाँ पे उद्घाटन किया, मेरे लिए बहुत खुशी का मौका था वो। मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं किसको बुलाऊं किसको ना बुलाऊं, पता नहीं कौन नाराज हो जाएगा कौन नहीं होगा। जब ब्याह नहीं हो, अगर ब्याह मैं सारे कार्ड बट जाए, ब्याह हो जाए तो 2 महीने के बाद नु बेरा लगा वो फलाना रिश्तेदार तो बच गया भाई, फिर उस तो लुक दे हंडा करे। तो मैंने सोचा कि से तभी लुकण की बजाय ऐसा काम कर लो सारे खुश हो। तो मेरे सारे मित्र प्यारे भाइयों ने, मित्र अगत अगड़ पड़त पड़ोसी हो क्यों आगर है उसका डायलॉग है, तो भाई सब ने, अब मैं मैसेज दे रहा हूँ कि भाइयों ऑफिस स्टार्ट कर लिया, सभी के सभी भाई जरूर आए। कब आएंगे या तुमने भी नहीं पता, लेकिन जब भी आपने टाइम लगाया, मैं स्पेशल तो इनवाइट किस किस ने करूँ, मतलब अभी तो मैंने कोई भी नहीं करा इनवाइट, कोई भी। मेरी टीम में शिवानी काम कर रहा है, इसके पास मैंने स्पेशल फोन करा था इसलिए कि गुरु जी आएंगे उनके दर्शन कर ले। ये हमारे प्रदीप भाई साहब हैं, कुछ नई चीजों के साथ ये भी हमारे साथ चैनल पे जुड़ रहे हैं। क्यों भाई साहब? जी सर, बिल्कुल सर, नया करेंगे और कुछ न कुछ नई चीजें लेके आएंगे मार्केट है में। ना, जी सर, कुछ नया सा बूम करने की भी तैयारी है। तो अभी हमने 2 महीने से बहुत सस्पेंस बना रखा है प्रदीप के पास। मैंने सोचा कहा था कि भाई प्रदीप पूरा डिजाइन तैयार कर, लेकिन डिजाइन सारा तैयार ही नहीं हो पाया। तो प्रदीप ने बहुत मेहनत करी और शिवानी ने बहुत मेहनत करी सोचने के बारे में हाउ टू डिजाइन। लेकिन मैंने सबको एक बात कर रखी थी, जो मेरी टीम में 5-4 भाई और हैं, कि भाई कुछ ऐसा तैयार करो और मार्केट में खबर नहीं जानी चाहिए कि हम ऑफिस तैयार कर रहे हैं। तो फाइनली ये ऑफिस हमारा तैयार हो चुका है, हर एक चीज पे हमने बहुत काम करा है, हर एक चीज पे। कितना ऑफिस भाई ना पसंद आओगे और कितना प्यार देंगे वो तो देखेंगे भाई। लेकिन जो जो भाई यूं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जगदीप ने हम नहीं बुलाए, हमने बुलाए हमने बुलाए, तो यार मैं सबसे सॉरी मांगू हूं, क्योंकि एक ना बुलाऊंगा तो दूसरा नाराज होगा, ब्याह वाली बात है, शब्द कार्ड देने के बाद एक आधा तो बचाएगा। तो भाई यो जगदीप का स्टेप अप का ऑफिस नहीं, थारा ऑफिस है। जिस टाइम भी आओ जींद के अंदर, मेरे ऑफिस का ये रूल है, कदे ताला लगा नहीं मिलेगा भाई अपने दिन रात। वैसे 24 बजे अलर्ट हो जाएंगे, अच्छा कोई ताला नहीं, तो भाई कोई बात नहीं, थारा भी ऑफिस है भाई। तो ये ऑफिस है, ये पैड़िया है, पैड़िया से किसी भी टाइम चढ़ के आओ ऊपर और कुछ भी करो। और यो सबका भाईचारे का ऑफिस है, और सारे यहाँ पे आओ मस्ती से आओ।
हमारे साथ संजय तिरंगाधारी भाई साहब भी है। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम जी, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो हमारे संजय तिरंगाधारी जी जो हमेशा फ्लैग को अपने साथ रखते हैं और आज ये मेरे ऑफिस में आए हैं, हालांकि बहुत सारे भाई अभी पेंडिंग है, कोई भी नहीं आया, लेकिन ये गुरु जी का वीडियो देख के आप आए हैं, है ना? गुरु जी का, तो गुरु जी का इंटरव्यू देखने के बाद, मैंने वो अपलोड किया था, उनको देखने के बाद आए। तो भाई साहब, गुरु जी के चरण पादुका मेरे ऑफिस में रखे, कुछ क्या क्या मैसेज देना चाहिए? बहुत बड़ी हस्ती हैं, और जब गुरुओं का जब चरण पड़ता है ना किसी शिष्य के कार्यालय में जी, या उसके अच्छे काम के लिए उनका हाथ उनके सर पे आशीर्वाद के रूप में जाता है जी, तो लगा भाई पोबारा आ जाए भाई। बिल्कुल, और भाई वो देसी भाषा में बोल रहा हूँ, फिर ठटम ठाट हो जाएंगे भाई, ठटम ठाट ठटम ठाट। तो भाई गुरु जी ने आशीर्वाद भी दिया है, और भाई सही काम करो जगदीप, भगवान आपका भला करेगा। और हर एक चीज पे मैंने छोटी छोटी चीज पे बहुत फोकस किया है भाई, बस आपका प्यार मिलता रहे उतना ही मेरे लिए काफी है। और जो मेरा बार फ्लेक्स लग रहा है उस पर भी मैंने एक डायलॉग लिखवाया, शुभ कर्मन्ते कभू न टरू। अब आगे एक्सप्लेनेशन आपकी है। तो भाई छोटे से ऑफिस को आपके लाड प्यार की जरूरत है भाई, और ये वीडियो इतनी ही धन्यवाद भाई, जय हिंद। थारे भाई से कोई गलती हो जाए तो भाई क्षमा मांगू हूँ, लेकिन बहुत कुछ नया करने का भी इरादा है, और बहुत पॉजिटिव समाज में आने की हम सबको जरूरत है, और समाज का एक नया सा रूप और लाने की कोशिश करा के भाई। धन्यवाद, जय हिंद भारत माता की, जय।